आज हमारे पास है एक तरफ गोप्रो कैमरा, जो एक्शन कैमरा में वन ऑफ दी बेस्ट एक्शन कैमरा है, और दूसरी तरफ है हमारे पास मिररलेस कैमरा, जो कि बजट सेगमेंट का मिररलेस कैमरा है, कैनन का M50 Mark II। मतलब हम जो है 50 से 60 हज़ार के प्राइस रेंज की मिररलेस कैमरा की बात करने वाले आज की इस वीडियो में, जो जनरली यूज होते हैं फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी में या फिर कंटेंट क्रिएशन में। अभी दोनों सेगमेंट के कैमरास आज के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों कैमरास को कंपेयर किया जाए कि मिररलेस कैमरा और गोप्रो में से कौन सा बेस्ट है, यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा कैमरा एक नए बिगनर को लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम यही सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब आज के टाइम में व्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो अगर हम गोप्रो और मिररलेस कैमरा में व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करें तो गोप्रो में हमें सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलता है वाइड एंगल पर्सपेक्टिव का। अगर मैं अभी के टाइम पे गोप्रो 11 की बात करूं तो गोप्रो 11 में हमें हाइपर व्यू भी मिलता है, सुपर व्यू भी मिलता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही वाइड एंगल जो है ले सकते हैं, वाइडर पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं। एज यू कैन सी, अगर मैं गोप्रो से व्लॉगिंग करता हूँ, मैं हवेली पर घूमने गया हूँ तो मैं हवेली में खुद को भी दिखा सकता हूँ और किस एरिया में घूमने गया हूँ मैं वो भी इजीली दिखा सकता हूँ। मुझे कोई भी एडिशनल वाइड एंगल लेंस की नीड नहीं है। लेकिन यही चीज़ सिमिलरली अगर मैं किसी भी मिररलेस कैमरा, चाहे कैनन का M50 Mark II हो या फिर सोनी का ZV-E10 हो, दोनों की वीडियो फुटेज मैंने जो है आपको दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी एक जनरल किट लेंस से अगर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो मैं इतना वाइडर पर्सपेक्टिव कैप्चर नहीं कर सकता जितना मैं गोप्रो से कर पा रहा था। मुझे अगर इतना वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए तो मेरे को डेडिकेटेड वाइड एंगल लेंस की नीड होगी, जो काफी कॉस्टली आता है या फिर जो है एडिशनल परचेज में मेरी काउंट होगा। तो मिररलेस कैमरा से हम ब्लॉगिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इतना वाइडर पर्सपेक्टिव में जो है सारी स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते अपनी ब्लॉगिंग में जितना हम गोप्रो के साथ में कर सकते हैं डे लाइट कंडीशन पे। अब सेकंड थिंग जो ब्लॉगिंग करते हुए बहुत काम आती है वो है स्टेबलाइजेशन। गोप्रो में हमारे साथ क्या फायदा होता है कि अगर हम गोप्रो से ब्लॉगिंग करते हैं सारे शॉट बहुत ही स्टेबलाइज आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन होती है। आपको कोई भी एडिशनल गिम्बल की नीड नहीं है, कोई भी स्टेबलाइजर की नीड नहीं है, आप सिर्फ गोप्रो को हैंड हेल्ड पकड़कर इजीली बहुत अच्छे स्टेबलाइज्ड और सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी के कंपैरिजन में बात करूं मिररलेस कैमरा की, तो मिररलेस कैमरा में अगर हम व्लॉगिंग करते हैं तो हमें जो है इतनी स्मूथ वीडियोस नहीं मिलती जितनी हमें गोप्रो में मिलती है, और आपके कैमरा में इन बॉडी स्टेबलाइजेशन होगी या फिर नहीं होगी ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि महंगी कैमराज में इन बॉडी स्टेबलाइजेशन आता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 50 से 60 हज़ार के मिररलेस कैमरा की, यही जो है गोप्रो के साथ कंपेयर करना बिल्कुल फेयर रहेगा। तो अगर हम 50 से 60 हज़ार की प्राइस सेगमेंट में कैमरास को देखें तो हमें कोई भी ऐसा कैमरा देखने को नहीं मिलता जिसमें इन बॉडी स्टेबलाइजेशन हो। तो अगर आप मिररलेस कैमरा से व्लॉगिंग करते हैं आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबलाइजर या फिर गिम्बल की नीड होगी, ट्राइपॉड की नीड होगी, या फिर एडिशनल जो है एक्सेसरीज या फिर गैजेट्स की नीड होगी, ताकि आप जो है अपने कैमरा में स्टेबलाइज वीडियो, चाहे आप सिनेमैटिक फुटेजेस निकाल रहे हैं, वीरोल निकाल रहे हैं या फिर अपना व्लॉगिंग शूट कर रहे हैं, तो आपको नीड होगी। तो कंक्लूजन इन दोनों का स्टेबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि अगर आप गोप्रो से कोई भी वीडियो शूट करते हैं व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सिनेमैटिक शॉट्स लें, तो आपको कोई भी एडिशनल एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम मिररलेस कैमरा से कोई भी सिनेमैटिक शॉट लेते हैं तो हमें नीड होती है एडिशनल गिम्बल की, जो कम से कम आता है 20,000 रुपीज़ का। तो ये आपको एडिशनल एक्सपेंस मिररलेस कैमरा के साथ करना पड़ेगा अगर आप बहुत ही क्रिएटिव सिनेमैटिक वीडियोस अपने मिररलेस कैमरा से निकालना चाहते हैं अपने व्लॉग को इंटरेस्टिंग और बढ़िया बनाने के लिए। सो वाइड एंगल एंड स्टेबलाइजेशन का जो फीचर है वो तो हमें गोप्रो कैमरा में मिलता है, लेकिन एक फीचर मेरे को गोप्रो का काफी कमाल का लगता है, और वो है इसका कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस। अब एज यू कैन सी गोप्रो का साइज जो है काफी कॉम्पैक्ट होता है, हम इसको इजिली चेस्ट पर, हेलमेट पर या फिर किसी भी सर्फेस पर माउंट करके पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। और ये नहीं गाइज, अगर आप गोप्रो के साथ एडिशनल माइक अटैच करके अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए 5.7 के क्वालिटी में यानी 4K से भी अबव में वीडियो क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस छोटे से कॉम्पैक्ट कैमरे से बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गाइज ये बहुत कॉम्पैक्ट है, तो हम इसको इजीली कहीं पर भी माउंट कर सकते हैं, ऐसी ऐसी लोकेशंस पर भी शूट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा मिररलेस कैमरा नहीं जा सकता है। लेकिन इसी कंपैरिजन में अगर हम मिररलेस कैमरा से पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो लेने की कोशिश करें तो हम नहीं ले सकते हैं। प्रैक्टिकली आप कितना ही कॉम्पैक्ट मिररलेस कैमरा परचेज करने, आप उसको चेस्ट पर माउंट नहीं कर सकते,
हेलमेट पर बाउंड नहीं कर सकते या फिर किसी भी हर सरफेस पर बाउंड नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर हमें जगह चाहिए जहाँ पे हम मिररलेस कैमरा को ऑन कर सके। अब आप ही अज्यूम करिए, अगर ये मिररलेस कैमरा है, अगर मैं इसको अपनी चेस्ट पे लगा तो सबसे पहली बात मैं कंफर्टेबली शूट नहीं कर पाऊंगा। सेकंड थिंग, इसके अंदर इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है, पूरी बॉडी की जो मेरी मूवमेंट है उसको कैमरा स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा। थर्ड थिंग गाइज, इस कैमरा के अंदर इतना वाइड एंगल पर्सपेक्टिव नहीं होता कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है एक्यूरेटली दिखा सकूं। तो ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से GoPro में पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस का तो फायदा है ही, लेकिन एक फीचर और भी इसमें कमाल का है, वो है हॉरिजॉन्टल लेवलिंग, जो बहुत सारे व्लॉगर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं पता होता, जिसके लिए GoPro बहुत ज्यादा मशहूर भी है। हॉरिजॉन्टल लेवलिंग क्या होता है, अगर मैं ब्लॉगिंग करूँ मेरे हाथ से कैमरा इस तरह से टेढ़ा हो जाए या फिर इस तरह से भी टेढ़ा हो जाए, कैसे मर्जी मैं इसको मूव करूँ मेरी वीडियो बिल्कुल सीधी रहेगी, जो काफी कमाल की चीज है। लेकिन गाइस, अगर मैं यही चीज सेम अपने मिररलेस कैमरा से ब्लॉगिंग करते हुए करूँ तो हमारी वीडियो इस तरह से टेढ़ी हो सकती है, इस तरह से टेढ़ी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे मैं कैमरा तो मूव करूंगा मेरी वीडियो भी टेढ़ी होगी और स्टेबलाइज बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हॉरिजॉन्टल लेवलिंग का कहीं ना कहीं हैंडहेल्ड शूटिंग में बहुत बड़ा रोल है, जो एक व्लॉगर को काफी हेल्प करता है सिनेमैटिक और क्रिएटिव वीडियोस कैप्चर करने में। अब जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं GoPro कैमरा और मिररलेस कैमरा की। तो ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से GoPro कैमरा में एक बेनिफिट काफी कमाल का है, इसके डिजाइन के मामले में GoPro कैमरा कंप्लीटली वाटरप्रूफ होता है। ब्लॉगिंग जो है एक ऐसी चीज है, हमें नहीं पता हम किस सिचुएशन में कब कैसी ब्लॉगिंग करें। फॉर एग्जांपल, कभी भी अगर आप माउंटेन्स पे जाएंगे, आपको पता होगा वहाँ पे ऑल ऑफ सडन बारिश हो जाती है, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको लगता है बारिश भी हो सकती है या फिर अंडर वाटर शूट भी करना पड़ता है, तो GoPro का जो कैमरा होता है पूरा वाटरप्रूफ होता है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी अगर पानी में भीग भी जाए। लेकिन मिररलेस कैमरा के साथ हमें ऐसी कोई भी फ्लेक्सीबिलिटी नहीं देखने को मिलती, मिररलेस कैमरा जो है बिल्कुल वाटरप्रूफ नहीं होते, आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ तक कि ये जो है वेदर प्रूफ भी नहीं होते जो ऑलमोस्ट बिगिनर कैमराज होते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप मिररलेस कैमरा के साथ ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कैमरा जो है मोइस्चर से बिल्कुल ना पकड़े और दूसरा वाटर से आपने बचा के रखना है। तो अभी ना गाइस, मैंने जितने भी कंपैरिजन किए उसमें आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर है शायद GoPro की तरफ से, तभी मैं GoPro की तारीफ करने जा रहा हूँ, कोई इसकी बुराई कर ही नहीं रहा और मेरे पास कैमरा को बुरा बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे नहीं गाइस, GoPro में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो मैं गाइस अब आपसे शेयर करने वाला हूँ, ताकि जो एक फेयर कंपैरिजन हम दोनों कैमराज में कर सके। सो GoPro कैमरा भले ही ब्लॉगिंग करने में बेटर हो, लेकिन जब बात आती है बैटरी बैकअप की, तो मिररलेस कैमरा इससे बहुत ज्यादा बेटर है बैटरी बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, अगर आप GoPro कैमरा के साथ कोई भी ब्लॉगिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन करते हैं, आप मैक्सिमम 40 मिनट 50 मिनट जो है इस तरह से जो है आप शूट कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप कैसी वेदर कंडीशन में शूट कर रहे हैं, 4K में कर रहे हैं या फिर फुल एचडी में कर रहे हैं। लेकिन मिररलेस कैमरा का जो बैटरी बैकअप है मिनिमम 1.5 से 2 घंटे का रहता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, हमें बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत ज़्यादा देर तक जो है बढ़िया वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। बिगिनर को ये चीज़ काफ़ी हेल्प करने वाली है। अगर आप बार बार रीटेक्स लेते हैं तो रीटेक्स में आपको GoPro की बैटरी गिरा जाएगी, लेकिन आपका जो मिररलेस कैमरा वो आपका पूरा कंटेंट शूट करवा के दे देगा। इसके अलावा GoPro में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि नो लाइटिंग सिचुएशन में आप GoPro से बढ़िया वीडियोस नहीं कैप्चर कर सकते। अब इसके पीछे की वजह ये है, GoPro जो नेट कॉम्पैक्ट है साइज में, तो इसके अंदर का जो सेंसर होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन रीड करता है, जहाँ पे सारी लाइट जाती है, पूरी सनलाइट या फिर कोई भी हम लाइट का सोर्स इसको देते हैं, तो वो जो है बहुत साइज छोटा है सेंसर का, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी लो लाइट परफॉर्मेंस में नहीं दे पाता है। लेकिन अगर हम इसी के कंपेरिजन में मिररलेस कैमरा की बात करें, तो कोई भी मिररलेस कैमरा चाहे सोनी का हो, निकोन का हो, कैनन का हो, सबके सेंसर साइज इनफ लार्ज होता है कि आप लो लाइट सिचुएशन में बढ़िया जो है क्वालिटी की फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी कर सके। इसके अलावा मिररलेस कैमरा में जो मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि ISO, अपर्चर, ये सभी चीज़ों की मदद से आप जो है बहुत ही अच्छी वीडियोस, फोटोग्राफी और बाकी सारी चीज़ें जो भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं आप डे लाइट में और लो लाइट सिचुएशन में निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैनुअल कंट्रोल है या फिर जो प्रोफेशनल कंट्रोल है वो आपको मिररलेस कैमरा मिलता है, GoPro में इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। और थर्ड थिंग है लेंसेज के ऑप्शन। अगर आप फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी में वर्सेटाइल तरीके से काम करना चाहते हैं या फिर आप और भी एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी को, तो GoPro आपको वहाँ पे लिमिट कर देता है। आप GoPro में ज़्यादा जो है मोड्स में शूट नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमम 3 से 4 फील्ड ऑफ व्यू के ऑप्शन मिलते हैं, वाइड, सुपर व्यू, नैरो। लेकिन अगर हम बात करें मिररलेस कैमरा की, तो मिररलेस कैमरा में अगर आप फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने कार को, तो आप बहुत सारे लेंसेज परचेज कर सकते हैं, जूम लेंस ले सकते हैं, वाइड एंगल लेंस ले सकते हैं, फोटोग्राफी सीख सकते हैं,
कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी आप मिररलेस कैमरा से कर सकते हैं, GoPro से नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है एक वर्सेटाइल कैमरा होता है जिसकी मदद से हम जनरल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिररलेस कैमरा है वो एक ऑलराउंडर है, लेकिन जो GoPro है वो एक लिमिटेड आपको फीचर प्रोवाइड करता है, लेकिन जितने भी फीचर प्रोवाइड करता है वो काफी कमाल के होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं मिररलेस कैमरा को जनरल फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप इसमें बहुत जो है अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी को। इसके अलावा अगर आप ब्लॉगिंग नहीं करते, आप कोई भी और कॉन्टेंट क्रिएशन करते हैं, कोई आपका पेज है चैनल है जहाँ पे आप कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ की जो है मिररलेस कैमरा ज्यादा काम आ सकता है एज कम्पेयर टू GoPro, क्योंकि GoPro से आप स्टूडियो जो है शूट नहीं कर सकते, इंडोर अगर आप स्टूडियो में शूट करते हैं वो भी आप मिररलेस कैमरा से शूट कर पाएंगे, इससे बेटर नहीं कर पाएंगे। तो दोनों कैमरास को जनरल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मिररलेस कैमरा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लेंसेज के ऑप्शन और हम बहुत ही एक्सपेंड अपने काम को कर सकते हैं मिररलेस कैमरा को यूज़ करके। अब ये दोनों डिफरेंसेस गाइस जो मैंने इन दोनों कैमराज में बताए ये तो इनमें है, लेकिन इसके अलावा और भी कई तरह के फर्क इन दोनों कैमराज में होते हैं, चाहे बात करें हम यूजर एक्सपीरियंस पे, यूजर इंटरफेस पे, या फिर बात करें इनकी क्वालिटी में, क्योंकि जो वीडियो क्वालिटी है वो भी आपको जो है मिररलेस कैमरा में ज्यादा फाइन मिलेगी एज कम्पेयर टू GoPro। GoPro में मैंने आप 5.7K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि 4K से अबव है, लेकिन गाइस मिररलेस कैमरा की फुल HD क्वालिटी या फिर 4K क्वालिटी वो भी काफ़ी डिटेल्ड होती है एज कम्पेयर टू GoPro। तो सिर्फ रेजोल्यूशन मैटर नहीं करता, क्वालिटी और डिटेल भी मैटर करते हैं कि आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो उसमें डिटेल, HDR रेंज, कलर, सेचुरेशन, शार्पनेस वो कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कैमरा में। अब इन दोनों कैमरास की फीचर्स को कंपेयर करने के बाद बात आती है कंफ्यूजन की, दोनों में से कौन सा कैमरा बेस्ट है, जिसके लिए आई होप आप सभी ने जो है इस वीडियो में क्लिक किया, तो मैं आपको इसका बिल्कुल फेयर आंसर देता हूँ। तो देखो गाइस, GoPro कैमरा डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो अच्छी लाइटिंग कंडीशन में व्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर एक्शन वीडियोस बनाना चाहते हैं या फिर पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए GoPro के सारे फीचर्स डेडिकेटेड है। इसके अलावा आप कोई भी एडिशनल काम करते हैं तो वो आप GoPro से नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेड यूज के लिए कैमरा बनाया गया है स्पेशली व्लॉगर्स या फिर एक्शन वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। और गाइस अगर आप जनरल फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, आप कॉन्टेंट क्रिएशन में जहाँ आप इंस्टाग्राम पे रील्स या फिर यूट्यूब पे और भी अलग तरीके का कॉन्टेंट बनाते हैं व्लॉगिंग के अलावा, या फिर आपको लगता है व्लॉगिंग में आपको नो लाइटिंग सिचुएशन में ज़्यादा शूट करना पड़ता है, तो आपको GoPro के साथ मिररलेस कैमरा को भी ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी पहली प्रेफरेंस है मिररलेस कैमरा, क्योंकि मैं चूज़ करूँगा एक ग्रोथ ताकि मैं जो है बहुत ही बढ़िया हर सेगमेंट में टैप कर सकूँ और मैं ये देख सकूँ कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ। और अगर मेरे को चूज़ करना होगा सिर्फ व्लॉगिंग या फिर एक्शन वीडियोज़ के लिए जहाँ मैं अपनी व्लॉगिंग के एक्सपीरियंस को इंटरेस्टिंग कर सकूँ, वीडियोस अच्छी बना पाऊँ, तो मैं चूज़ करूँगा इस कैमरा को। दोनों में बहुत ही फ़र्क है यूसेज के मामले में, आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। बाकी गाइस आप इन दोनों में से कौन सा कैमरा चूज़ करेंगे, आपको कौन सा कैमरा बढ़िया लगा, आप गाइस अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और GoPro 11 और जो बजट सेगमेंट के मिररलेस कैमरा जो मेरे को अच्छे लगते हैं उनका मैंने लिंक 50 से 60 हज़ार जो आते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं एक बजट सेगमेंट में मिररलेस कैमरा लेने की। और मेक श्योर आप इसी तरह की बढ़िया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।